तो इस पे ये जो आप देख रहे हैं ये है पत्थर, वो यूनिक है, ये बताइए। ये सनमाइका हो गई अपने, ये टीवी टावर, सामने सिग्नेचर टावर, सिग्नेचर ब्रिज, ये सोफा है बनाया। और यहाँ पर हमने ये दिया था, जैसे जगह यहाँ पे वेस्ट हो जाती है बैठने के लिए। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं, मैं मतलब जेरी के साथ में जा रहा हूँ आज, तो उनके साथ जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कल भी हम गए थे करोलबाग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल हम गए थे करोलबाग, तो वहीं पे ही आज दोबारा जाना है। और दोबारा मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जिया जी ने जो फर्नीचर जो बनाया था उसका थोड़ा एक दो चीज़ और हैं जो बनानी है उनको, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, दूसरी ये कि ये वीडियो मतलब खास आज होने वाली है उनके लिए जो अपने घर का इंटीरियर बनाना चाहते हैं, मतलब बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज मैं आपको दिखाऊंगा इंटीरियर जो जिया जी ने फाइनल बनाया है, मतलब किसी मतलब फ्लैट में, तो वहाँ पर मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि क्या क्या मतलब बनाया उन्होंने, बेड, सोफे, जो भी है मतलब, है ना, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगे, है ना, अपने घर के लिए इंटीरियर के लिए अगर आपको कुछ बनवाना हो मतलब उस तरीके से, तो आप मतलब बनवा सकते हैं। उनका जो नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, फाइनली पहुंच गए हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर मैं आपको मतलब एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा कि उसके बारे में बताएंगे जिया जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारा काम जो भी हमने किया है, बेड वगैरह और ये साइड टेबल वगैरह जो बेड के साथ में होती है, तो जितना भी हमारा फर्नीचर का काम ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी है, तो वो हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर। और उसके बाद मतलब फिर जिया जी आपको बताते रहेंगे उसके बारे में, कैसे कैसे उसका जो भी प्राइस वगैरह होगा, जो भी होगा, तो वो दिखाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो ये है बेड, तो ये जो साइड टेबल है मतलब इन वहाँ पे चेंज थी वो अलग थी जो उस वाले रूम में थी, और यहाँ पर इन्होंने ऐसे बनवा रखी है, तो वो तो आप कुछ भी बनवा सकते हो, जो भी आप चाहो वो आप बनवा सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आपका रूम का स्पेस हो, जैसे भी आपको बेड चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। डिजाइन कोई भी है ना, डिजाइन कोई सा भी दे दो, डिजाइन तो यही रहेगा, बाकी फैब्रिक का कुछ भी चेंज करवा सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो फैब्रिक का कोई भी चेंज करा लो, डिजाइन डिजाइन ये रहेगा, बाकी अगर कोई साइड चेंज हो सकती है। अच्छा, मतलब साइड ये जैसे आपको थोड़ा और हैवी चाहिए तो वो हो सकती है, बाकी डिजाइन आपको एज इट इज मिल जाएगा। फैब्रिक आप कलर और फैब्रिक दोनों चेंज करा सकते हो इसमें। तो ये ऐसे ओपन करके और बंद करके हमने आपको दिखाई दिया, बाकी जैसे बताया जो मैंने दिखाया जी, है ना, सारे बेड वगैरह दिखाए हैं, अपना सोफा सेट कुछ जितना भी सब दिखाया, तो उसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या, सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, 50 से 60,000। सोफा है बनाया, और यहाँ पर हमने ये दिया था, जैसे जगह यहाँ पे वेस्ट हो जाती है बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैठ नहीं पाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर बैठ पाते हैं, तो यहाँ पर जगह वेस्ट ना हो उसकी वजह से हमने यहाँ पर ये स्पेस दिया है। यहाँ पर आप कुछ भी अपना गिफ्ट आइटम या कुछ भी मतलब ये यूनिक सा कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर सजाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हमने जगह वेस्ट ना हो बस इसकी वजह से यहाँ पर ये दिया है। बाकी सोफा आप देख ही सकते हैं पूरा, तो ये हमारा सोफा, साथ में ये टेबल्स, ये सारा डिजाइन जो है वो आंटी जी ने बताया था, फोटोज वगैरह दी थी, उसका सेम एज इट इज जिया जी ने इनको बना के दिया है। तो मैं जैसे कि आपको बोल ही रहा हूँ कि जो भी आप अगर फोटो कुछ भी फोटोज वगैरह आप अगर देना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, फोटोज देके बनवा सकते हैं, कुछ भी कोई सा भी डिजाइन हो अलग अलग। तो जो सोफा दिखाया हमने वो उसमें सोफा 11,000 रुपये सीट मान के चलिए, 11,000 पर सीट, 11,000 रुपये, 11 सीट का सोफा है। तो भाई ये जैसे 11 सीट का सोफ़ा है जैसे मैंने आपको दिखाया, तो 11,000 रुपये पर सीट सोफे का मान के चलिए। ये
ऊपर पीयू पॉलिश है, सामने फैब्रिक लगा हुआ है, सारा लेदर है, सामने अपना सारा फैब्रिक लेदर और ऊपर पीयू पॉलिश। तो एक रूम हमारा ये जो हमने तैयार करता है, इसका बेड तो ये गाइज ये टेबल हमने बनाई थी साथ में, सिक्स ये चेयर्स हैं। तो इस पे ये जो आप देख रहे हैं ये है पत्थर, और नीचे जो इसका डिज़ाइन है ये देखिए, तो इसको मैं थोड़ा और ठीक से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका जो ये मतलब बना रखा है अलग, इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे ये वुडन का हमने दे रखा है, इसके ऊपर ये पत्थर दे रखा है। तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ सारा काम है। गाइस ये हो गया बुक रैक, तो डिज़ाइन वही एज यूजुअल सेम है ना, जो भी आप बनवाना चाहो वो जैसा आपको मतलब बनवाना चाहो वैसा आपका सेम डिज़ाइन बन जाएगा एज इट इज़। ये हमारा टीवी कंसोल हो गया जो बनाया था हमने। इस पे खड़े हो ना, वो देखो जाम मस्जिद थी की, हाँ वही वही वही। और वो देखो उसके और पीछे की तरफ जो आईटी वाली बिल्डिंग, वो जो पीछे दिख रही है हाँ, वो धुंधली धुंधली सी, हाँ वही तो। आज मौसम ऐसा नहीं तो पूरी क्लियर दिखती। और ये जामा मस्जिद तो है, और क्या ये सामने हो रही। ये रही वाली जामा मस्जिद आ रही, टीवी ये टीवी टावर, सामने सिग्नेचर टावर, सिग्नेचर ब्रिज। तो गाइस एक ये है हमारी माइक्रोवेव कैबिनेट जो बनाई है हमने, तो ऐसे आप बनवाना चाहें तो आप बना सकते हैं। किचन का भी अपना जो काम है सारा ये भी करा हुआ है। तो भाई अब हो गई है जाने की तैयारी, तो चलते हैं। सो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं और अपने घर का कुछ भी इंटीरियर वहाँ से बनवा सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारे न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।